स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस के एजुकेशन पीलीभीत में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज की जो वीडियो है वो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का दूसरा चैप्टर जो आपका, जिसमें आज के कुल चार प्रश्न आज हम करवाने जा रहे हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चार प्रश्न जो हैं आप बिल्कुल एक समझिए, बिल्कुल जो है आपके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय जो है दोनों के हिसाब से जो हैं प्रश्न हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन का डिवाइडेशन नहीं है, यहाँ पे दोनों जो हैं सिमिलर टाइप के रखे हुए हैं। तो वीडियो को एंड तक, और इसका पहला पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा है, इस चैप्टर का पहला पार्ट है आपका जो मैं बॉडमास रूल और कुछ छोटे छोटे नियम जो हैं वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या मैं लिंक आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, फिर से बोल रहा हूँ, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, इससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा लाइक करने से। और पूरा देखा है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, पता तो लग जाए किसने देख लिया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन है हमारा 99 का होल स्क्वायर और 101 का होल स्क्वायर का मान सूत्र से ज्ञात करो। वैसे तो हम चाहें तो मतलब 99 को दो बार खोल के डायरेक्ट गुणा करके इसका मान निकाल सकते हैं, 101 का भी वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सूत्र लगाना है। तो सूत्र से कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो पहला देखिए, पहले 99 का देख लेते हैं, 99 का होल स्क्वायर। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं 99 वाले, 999 वाले, या 101, 102 या 98 वाले, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको 1000 या 100 इस तरह के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1 लिख देंगे और दो ऊपर दो खाते वैसे ही लगा देंगे। तो अब ये आपका सूत्र के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो सूत्र देखते हैं यहाँ पर कौन सा बन सकता है। सूत्र आपका बन रहा है इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका सर्वसम का सूत्र होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है सूत्र, जिसे याद है उसे तो पता ही होगा, अदरवाइज जिसे नहीं याद है तो वो कृपया याद कर लें, सूत्र आपके सभी आपका काम आने ही है। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके इसके बेस्ट क्वेश्चन आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में मिलेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसी भी तरह से आप लिख के याद कर सकते हैं। तो ये सेम इसकी तरह है, सेम इसकी तरह देखेंगे, मैं वैल्यू रख देंगे 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए का मान कितना हो जाएगा 100, बी का मान 1, तो वैसे ही रखेंगे सेम। फिर से देखो, ए का मान 100, बी का मान 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ए है ए का होल स्क्वायर यानी कि 100 का होल स्क्वायर प्लस बी का मान है 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, और ए का मान कितना था 100 था, तो 100 लगा देंगे यहाँ पर, और बी का मान कितना है 1। अब 100 को अगर दो बार गुणा करेंगे तो देखिए 4 जीरो तो लगने ही हैं, वो तो लगेंगे ही, और 1 की आपस में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसके बाद इसे देखेंगे, ए हो जाएगा आपका 2 का कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे बॉडमास का रूल लगा के देख लो, ठीक है, उसमें बॉडमास में क्या होता है, बी डी ओ बॉड मास, यानी कि पहले गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, तो पहले चाहे जोड़ लो फिर घटा लो, ठीक है, या पहले कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर 10,000 में से अगर 200 अगर घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9,800 बचेगा ये, ठीक, और प्लस 1 है तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा 9,801। अब इसका कुछ ट्रिक मेथड होता है वो आपका कंपटीशन में काम आता है, वो यहाँ पे अपना जो रिटर्न वर्क होता है उसमें आपका एक नहीं, आप यहाँ पे आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा इसका, ठीक है। अब इसका अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन, जो 101 का होल स्क्वायर है, उसमें आपको कुछ नहीं, उसमें सेम जैसे यहाँ पर घटाया था 1 को, वहाँ पर 1 जोड़ देंगे, तो इसको लिखेंगे 101 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 1, ठीक है, 100 प्लस 1। अब ये आपका सूत्र बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका सूत्र बन गया, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसमें सभी प्लस के रहते हैं, ठीक है, माइनस वाले में केवल माइनस का 2ab होता है सिर्फ, और प्लस वाले में सभी प्लस के रहते हैं। तो ए वाला इसका, अब इसमें जो 100 प्लस 1 है उसको ए प्लस बी यहाँ पर रख के देंगे, तो 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र के हिसाब से, तो ए की जगह यहाँ पे 100 रख देंगे,
यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पर क्या है सेम यहाँ पे करना है, बस यहाँ पे माइनस सी का प्लस रह जाएगा इस ऊपर वाले, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में हम यहाँ यहाँ तक तो सेम वैसे सॉल्यूशन, यहाँ पे प्लस अगर करते हैं तो सेम वैसे ही हो जाएगा। वन का स्क्वायर रह जाएगा 2 × 100 × 1, ठीक है। ये आपका बन जाएगा कितना, ये भी 10,000 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ओपन किया था ये सेम वैसे ही हो जाएगा, 4 जीरो लग जाएंगे एक के आगे, प्लस 1 ये हो जाएगा 200 × करके आएगा, 2 × 100 = 200 और 1 से कोई फर्क, तो ये आपका हो जाएगा 10,201, ठीक है। 10,200, 10,200 जोड़ देंगे, 10,200 हो जाएगा ये और प्लस 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10,201, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लें सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले सकते हैं आप, सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं सबके लिए मैं साइड में हो जाऊंगा, आप आराम से ले जाना स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में जो करनी वाला चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है करनी, उसका क्वेश्चन है ये देखा जाए तो, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन में दिया गया क्योंकि ये सिंपल करना है, ठीक है, सरल करना है इसको, तो इसमें जो रूल लगता है आपका, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो रूट वाले, जो करनी वाले प्रश्न होते हैं, रूट मतलब करनी वाले, तो करनी वाले क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना होता है, संख्याएं वैसी होती है केवल इनके संयुग्मी से, जो नीचे जो अंश बटे हर के फॉर्म में, क्योंकि जब बटे में लिखा तो ये भिन्न की फॉर्म में लिखा है, तो जो हर होता है हर के संयुग्मी से क्या होता है ऊपर नीचे गुणा करते हैं, जो संयुग्मी होता है वही इसका परिमेय कार्य गुणक कहलाता है, जो नीचे वाली जो करनी दी होती है प्लस माइनस में ये संख्याएं, इन्हीं का संयुग्मी जो होता है वो परिमेय कार्य गुणक कहलाता है, तो भाई उसी से होगा, तो इसे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहला वाला आपका हो गया कंप्लीट, दूसरा वाला देखते हैं, तो इसको हमें √7 − √5 / √7 + √5 इधर बराबर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नीचे वाली जो संख्या होती है, सबसे आपको सिर्फ नीचे वाले से मतलब है, ऊपर क्या दे रखा है उसे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम संख्याएं दे रखी हूँ, कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जब वो फोर्थ सेमेस्टर में करनी में पढ़ा चुका हूँ पहले ही, तो अगर वो भी अगर आपको ये देखना हो अच्छे से पढ़ना हो तो फोर्थ सेमेस्टर के जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाके देख सकते हैं करनी वाले चैप्टर, परमेय कार्य वाली जो वीडियो है उसे देख सकते हैं, साफ नहीं देखें परमेय कार्य जो गुणक वाली जो वीडियो है या परमेय करण वाली जो वीडियो है उसे देख लें, तो उसमें कोई जरूरी नहीं, हमें इससे मतलब होता है, तो इन संख्याओं को हम ऐसे ही रखेंगे, केवल ये बीच का जो चिन्ह होता है उसको आपको बदल, मतलब प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो इसका जो परमेय कार्य गुणक या संयुग्मी, ठीक है, तो यहाँ पे √7 + √5 का जो संयुग्मी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √7 − √5, जो कि ऑलरेडी दे रखा है आपको, बट बहुत से क्वेश्चन में नहीं होता, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इस तरह में नहीं होगा, क्लियर हो गया, तो इसी से जो संयुग्मी है इसी से आपको ऊपर नीचे गुणा करनी है, इसमें तो हो जाएगा √7 − √5 / √7 + √5, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो छोटे क्योंकि गुणा कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग दर्शाने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हो, क्लियर हो गया। इसी को हम तुल्य भिन्न बनाना भी कहते हैं, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना ये तुल्य भिन्न कहलाता है, या इसे परमेय करण कहते हैं, करणी की लैंग्वेज में या करणी के चैप्टर के संदर्भ में इसको परमेय करण करना कहा जाता है, क्लियर हो गया। अब इसी को करेंगे तो देखो यहाँ पे आपके 2 सूत्र उपयोग होंगे, अभी देखो ये सेम है तो सेम है स्क्वायर हो जाएंगे, जब सेम है तो ब्रैकेट √7 − √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम है ना तो 2 बार गुणा है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो a + b और a − b, ये आपका सूत्र होता है a + b × a − b, ये आपके देखिए सेम इस तरह के फॉर्म में लिखे हुए हैं दोनों a + b और a − b, ये इसका सूत्र जो होता है वो होता है a² − b² या a² − b² बराबर a + b और a − b। अब सरसम का सूत्र याद कर लें तो बहुत आसान रहेगा, बदना आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है, तो सरसम का सूत्र याद कर लें ज़्यादा बेटर है, जिसे याद है उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है अपने लिए, तो ये आपका हो जाएगा a² - b² यानी √7 का होल स्क्वायर
माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर भी सूत्र लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी एक करवाया था शुरू में क्वेश्चन, क्या सूत्र लगा था उसमें, ए स्क्वायर माइनस वो सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यही तो सूत्र था आपका, यही वाला, ये तो लगा था अभी 99 वाले क्वेश्चन में भाई है। इसको भी वैसे ही ओपन कर देंगे, इसको खोल देंगे हम, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला आपका अंडर रूट 7, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि अंडर रूट 7 गुणा 5, अंडर रूट 5। ठीक, अब इसे खोलेंगे तो देखिए अंडर रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लगा होता है, ये अंडर रूट लगा हुआ है और इसके ऊपर स्क्वायर वगैरह लगा है तो ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। कैसे, जैसे अंडर रूट 7 है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। कैसे होता है, क्योंकि रूट का जो मतलब होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है, किसी के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है 1/2, और 2 तो ऑलरेडी उसमें पहले ही यहाँ पे है, तो 2 से 2 का गुणा होगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7 की घात 1, यानी कि 7, ठीक है। तो इस रूट से स्क्वायर जो, या कह सकते हैं स्क्वायर से जो रूट है वो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बचेगा नीचे 7 बचेगा और केवल 5 बचेगा, ऐसे ही ऊपर इन्हें ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 5 - 2। और करणी का एक नियम और लग रहा है यहाँ पर, आपको करणी की परमेकरण की वीडियो देखनी पड़ेगी तभी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा, तो उसे देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें एक नियम और होता है करणी का कि जब दो करणियाँ एक जैसी, मतलब करणी चिन्ह सेम हो, सेम करणी हो और संख्याएँ अलग अलग हों, तो दोनों को एक साथ एक ही ब्रैकेट, मतलब एक ही करणी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है, एक ही तरह ऐसे रख सकते हैं, बटे यहाँ पर बचेगा 2, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 7 + 5 = 12 जुड़ जाएंगे -2, और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35/2, और ऑल ओवर ये सॉल्व होके आपका आ जाएगा, ऊपर से चाहे अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा 6 - √35/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 6 - √35/2, कुछ होगा नहीं, 1 होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपका सॉल्व होके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, चुटकियों में हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, वो कह रहा है कि अंडर रूट सोलह, इसको यहीं पे देख लो, इसको तीसरे क्वेश्चन को ना यहीं से देख लो, बहुत इजी है, इसको ऐसे ही बता दे रहे हैं, √17 - √16, √10 - √9, √5 - √4 में बड़ा कौन है, ठीक है। तो इसमें ना एक सिंपल ट्रिक है कि जिसकी जो तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, इसके लिए चीज़ याद रखना, जो रूट में अंडर रूट के अंदर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर जितनी छोटी संख्या होगी, ठीक है, जितनी छोटी संख्या होगी वही बड़ा होगा, ठीक है, जिस अंडर रूट के, यानी कि जिस करणी के भीतर जितनी छोटी संख्या होगी वही क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर देखो 17 यहाँ पर क्या है, बड़ा है, 16 भी बड़ा है, 10 भी बड़ा है, 9 भी बड़ा है, ठीक, बड़े बड़े हैं सब, 5 देखो छोटे हैं इन सबसे, सबसे छोटा है 5 और 4 तो सबसे छोटा है, तो यही वाली जो आपका जो ब्रैकेट है, यही वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, क्लियर, सबसे बड़ा ब्रैकेट कौन सा हो जाएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे जिसके अंदर सबसे छोटी संख्या होगी वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और जिसके अंदर सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटा होगा। जैसे यहाँ पर √17 - √16 है, ये आपका क्या होगा, ये सबसे छोटा होगा, ठीक है, और ये वाला सबसे बड़ा होगा। अब देखते हैं लास्ट में फोर्थ क्वेश्चन, जो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का, बॉड मास का रूल लगेगा। देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन, थोड़ा लंबा जाने वाला है नीचे तक, तो ऊपर से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, 1 + 1 और हो जाएगा 1 + 1
ठीक है, इसको हमें सरल करना है, इसको मतलब सॉल्व करना है। तो बी बॉड मास आप नियम याद रखेंगे, बी बॉड मास, ठीक है, बी बी बॉड मास, एम ए एस, ठीक है। बी बॉड मास, बी मतलब होता है बाइनिकॉलम, मतलब जिसमें बार लगा होगा छोटी ब्रैकेट के ऊपर, तो यहाँ बार तो किसी में है नहीं, तो इसे ऐसे। अब आते हैं ब्रैकेट पे, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके बाद बड़ी मझली ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ी वाली, ठीक है, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद ऑफ का वाला तो इसमें कोई है नहीं, फिर भाग करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले भाग होगी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर भी छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसमें सबसे पहले भाग करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, पहले भाग होगी, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा और फिर घटाना होगा, ठीक। तो ये आपका जो डी मतलब होता है डिवाइजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन और ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो भाग गुणा जोड़ घटाना। तो यहाँ पर पहले इस भाग को करेंगे सॉल्व, इन्हें अभी किसी को सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखते चलेंगे साथ में, जब तक छोटी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाती तब तक मझली ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करते हैं। एक से दो को भाग करना है, तो एक भाग दो है, इसको हम एक बटे दो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक बटे दो और एक बटे दो का मतलब भी यही होगा, एक भाग दो, ठीक। तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन टू, क्लियर हो गया। अब ये आपका बन गया, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लासा लेना पड़ेगा अब हमें, तो ये आएगा वन प्लस वन, वन प्लस वन, और ये हो जाएगा यहाँ पे लासा दो, तो हो जाएगा दो प्लस एक, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा छोट, फिर लगा देंगे, क्योंकि देखिए अब इसे अभी सॉरी मैं थोड़ा जल्दी बता बताना भूलिए, देखिए ऐसे ना इसे सिंपल ट्रिक है बिल्कुल, जैसे इस तरह के वो होते हैं, इस तरह से लिखी होती है, भिन्न क्या करते हैं, दो एकम दो एक जोड़ देते हैं, ऐसे तो करते हैं, कितना होता है दो एकम दो एक तीन बटे दो हो जाएगा, सिम ऐसे भी इनमें भी यही करते हैं, इससे इसको डायरेक्ट गुणा कर देंगे, दो एकम दो और प्लस लगा दो प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस एक, तो दो प्लस एक हो जाएगा, सीधे सिंपल सॉल्व कर लो इसे। अब इसे ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा तीन बटे दो, तीन बटे दो हो गया, तो छोटा ब्रैकेट को हटा देंगे अब की बार में, ठीक है, अब इसे हटा देंगे, ये सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट रिमूव कर दो यहाँ से, तो जाएगा वन प्लस वन और भाग ये हो जाएगा तीन बटे दो, क्लियर हो गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक मेथड बताया था कि जब यहाँ पर भाग लगा होता है तो अगले वाली संख्या को हम पलट देते हैं, जैसे यहाँ पर भी देख लो, अगर इसे भी देख लो, तो ये भी भाई है कि इसको पलट ही दिया था, लेकिन यहाँ पर देखो एक से भाग हो रही तीन बटे दो की, तो इसे हम क्या करेंगे पलट देंगे, किसे तीन बटे दो को उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा दो बटे तीन हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा एक गुणा दो बटे तीन, तो जाएगा वन डिवाइड वन प्लस वन, और ये जाएगा वन प्लस वन इंटू टू अपॉन थ्री, क्लियर। अब गुणा कर लेंगे, एक से इसी गुणा होगी तो भाई वापस आ जाएगा फिर से, तो ये जाएगा एक भाग एक प्लस एक, और ये जाएगा एक प्लस दो बटे तीन, क्लियर हो गया। अब सेम देखो इसी तरह का बन गया पोजीशन, जी जैसे यहाँ पे, तो तीन से एक की गुणा कर देंगे, तीन एकम तीन और दो जोड़ देंगे, तो ये जाएगा एक भाग एक प्लस, और ये मझली ब्रैकेट जो है इसमें तीन आपका लासा हो जाएगा यहाँ पे, तीन एकम तीन प्लस दो, क्लियर। और वन प्लस वन ए हो जाएगा पाँच बटे तीन, क्लियर हो गया। यहाँ पे भी इस मझली ब्रैकेट को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन भाग पाँच बटे तीन, सेम यहाँ पर भी अब वैसे ही यहाँ पे रूल लगा देंगे, इस भाग की जगह गुणा आ जाएगा, तो ये जाएगा वन प्लस वन प्लस वन और गुणा तीन बटे पाँच, ठीक है, उल्टा कर देंगे, यहाँ पे गुणा की जगह भाग की जगह गुणा आ जाएगा और संख्या उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा संख्या या भिन्न कुछ भी कह सकते हो, फिर दोनों शब्द सही हैं, ठीक है। एक से गुणा करेंगे तीन बटे पाँच हो जाएगा, फिर वही ऐसे ही जैसे यहाँ पे अभी सॉल्व किया था ये वाला, पर वही पाँच एकम पाँच और तीन जोड़ देंगे, ठीक है, तो जाएगा वन डिवाइड आपका हो जाएगा ये पाँच प्लस तीन बटे पाँच,
ठीक है, इधर साइड में जगह नहीं है, इधर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक भाग हो जाएगा पाँच तीन आठ बटे पाँच, कितना हो जाएगा आठ बटे पाँच। इसे ओपन करेंगे तो ये जाएगा एक गुणा सॉरी गुणा नहीं, अभी भाग ही रहने दो, एक भाग आठ बटे पाँच। तो ये आपका सॉल्व होके हो जाएगा कुल एक गुणा पाँच बटे आठ, यानी कि पाँच बटे आठ जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बॉड मास के नियम पे ही बेस्ड पूरा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो पाँच बटे आठ आया। थोड़ा लेंथी इस तरह के क्वेश्चन ना थोड़े से लंबे हो जाते हैं, लेकिन कठिन नहीं होते बहुत ज़्यादा। अगर आपको बॉड मास रूल सही से पता है तो आप हो जाएगा ये, क्लियर हुआ। बस इसे सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, ये जो भिन्न होती, तो भाई मैंने आपको बता दी जैसे इस तरह की जो भिन्न होती हैं, ठीक है, सही वाली जो सही करके दो एकम दो, वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, जैसे दो एकम दो प्लस एक, ठीक है, तो वही हो जाएगा दो प्लस एक। और ऐसे यहाँ पे एक जगह सॉल्व किया जाए, तीन एकम तीन और प्लस दो, तो वही हो गया तीन एकम तीन प्लस दो, ऐसे यहाँ पर देखो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा क्वेश्चन समझ में आएंगे, और नेक्स्ट अब आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो भी आपके प्रगुण हैं और जो एक और जीरो वाले नियम है वो आप करवाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।